हेलो दोस्तों, टेक्निकल सेटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपने पॉकेट मनी से लोन लिया है और वो रीपेमेंट नहीं किया है तो इस कंडीशन में दोस्तों आपके साथ क्या हो सकता है, क्या आपके घर पुलिस आ सकती है, क्या आपके साथ केस हो सकता है, क्या आपके जो फादर है या मदर है या ब्रदर है क्या उनके पास फ़ोन आ सकता है, क्या आपको कोई भी वकील आपको मतलब नोटिस भेज सकता है। तो मैं इसमें पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, पहले तो मैं दिखा देता हूँ, कभी मैंने भी पॉकेट मनी से लोन लिया था और मैंने वो रीपेमेंट नहीं हुआ और इस कंडीशन में मेरे साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी ऐप से लोन लिया है और उस पर रिसर्च भी किया है और उस पर मतलब काफ़ी स्टडी भी की है कि उसमें इस कंडीशन में क्या हो सकता है। दोस्तों, कोई भी ऐप्स स्टार्टिंग में तो आपको लोन दे देती है और इतना लोन दे देते हैं कि आप जितना भी उसमें डालते हैं, जैसे कि 5,000, 10,000 या 15,000 या इससे कम भी और इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी दे सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन ये होती है यदि आपने लोन ले लिया और उसकी ईएमआई भरवाई है या आप डायरेक्ट जमा करना चाहते हैं। डायरेक्ट का मतलब कि आपने 2,000 लिया और उसमें आपको 10 दिन का या 15 दिन का, एक महीने का टाइम दिया और एक महीने के बाद आपको 2,000 के 2,500 रुपये देने होते हैं, तो इस तरीके का आपके पास इंटरेस्ट लगता है। एक वो होता है कि दोस्तों आपने 5,000 लोन लिया और उसके 6,000 देने हैं और वो आपको ईएमआई के अनुसार देने हैं कि 2,000 इस महीने या 5,000 मतलब 500 रुपये इस महीने या अगले महीने, इस तरीके से आपको देना पड़ता है। तो इस कंडीशन में मैं बता देता हूँ, यदि आप डायरेक्ट देना चाहते हैं, 2,000 का लोन लिया और उसके 2,500 देना चाहते हैं और आपने नहीं दिए, तो इस कंडीशन में आपको क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में तो आपको फ़ोन आते हैं कि आपका जो लोन है उसका टाइम पूरा हो चुका है, आप वे दे दीजिए। फिर दोस्तों, काफ़ी फ़ोन आते हैं, एक दिन में 4 बार भी आते हैं, 2 बार भी आते हैं और जितनी बार वे चाहे उतनी बार कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपके पास धीरे धीरे मैसेज आने लगते हैं, फिर दोस्तों आपको व्हाट्सअप मैसेज आने लगते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि आपको धमकी भरे मैसेज आने लगते हैं कि आपका हमने चालान काट दिया गया, आपके घर पुलिस आने वाली है। लेकिन दोस्तों, यदि आपका अमाउंट लगभग 10,000 या 15,000 या थोड़ा शायद 5,000 से भी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको नोटिस आ सकता है और जो आपका पुलिस थाना है तो उसमें नोटिस कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने आप हमारे से लोन लिया है और इस तरीके से उसको वहाँ पर गाइड करो कि हमारा पेमेंट चुकाए। तो दोस्तों, आपको पुलिस बुलाती है, कभी ही बुलाती है, मतलब एक सिचुएशन में आ गई, ये नहीं कि हर किसी को ही बुला लेती है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे किस तरीके से बचना है मैं ये भी बता देता हूँ। दोस्तों, आपको कहना है कि मैंने लोन तो लिया था लेकिन वो मुझे पता नहीं था कि कैसे लोन लिया जा रहा है, मैं तो सोच रहा था कि ये फ्रॉड है और मैंने इस तरीके से वहाँ से लोन ले लिया है। दोस्तों, मैंने लोन लेने की कोशिश किया और लोन मेरे अकाउंट में आ चुका है। दोस्तों, वो आप कह सकते हैं कि उसमें मैंने वो जितने भी पैसे आए थे मैंने सारे लगा दिए, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं रिटर्न कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं यदि ईएमआई के। दोस्तों, यदि आपने पहली ईएमआई डाल दी है और आप दूसरे पे आके अटक गए या तीसरे पे 4 डाल दिए, 5 डाल दिए, तो इस कंडीशन में आपके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों, आपको अगर यदि आपने पेमेंट ले लिया है तो आपको रीपेमेंट भी करना ही है क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान है। हमारा का मतलब यह है कि जिसने भी लोन ले रखा है उसी का ही नुकसान है, क्योंकि आप लोन ले लेते हैं और वो रीपेमेंट नहीं करते तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो बहुत डाउन हो जाता है और आपको कभी लोन नहीं मिलता। तो इस कंडीशन में हमें एक दिन सेटलमेंट करना ही होता है और हमें लोन देना ही होता है। तो दोस्तों, तो आप इसमें भी झूठ बोल सकते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं, यदि आप चुका सकते हैं तो चुका देना, एक महीने की किस्त टूट जाती है कोई बात नहीं, अगले महीने आप आराम से दे सकते हैं या उसके दूसरे महीने बाद भी आपको दे सकते हैं। तो इसमें आप बोल देना कि सर जो COVID-19 चल रहा है और इस कंडीशन में मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, या आप बोल सकते हैं कि मैं पैसे कमाने गया हूँ, काफ़ी दूर गया हूँ, जैसे ही मेरे पास सैलरी आएगी मैं इस तरीके से आपका दे दूंगा। तो दोस्तों, हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमें लोन देना ही होगा, उसके लिए हमें ही फायदा है कि हम भविष्य में कभी भी लोन ले सकते हैं। यदि आप दूसरे किसी ऐप से लोन लेते हैं तो उस पर लिखा हुआ आ जाता है कि यूर पैन कार्ड ऑक्यूपाइड, कि आपके पैन कार्ड पर जिस भी ऐप से आपने लोन ले रखा है उसका आपका कब्जा हो चुका है, पहले इसका रीपेमेंट करो और फिर आपको लोन मिलेगा।
इससे हमारा सिविल स्कोर सही हो सकता है यदि हमने रीपेमेंट कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप यदि कोई भी ऐप से लोन लेते हैं तो हमें रीपेमेंट करना होता है, यदि हम रीपेमेंट नहीं करते तो इस कंडीशन में हमारे साथ ये घटना हो सकती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों यदि मैंने कुछ नहीं बताया लेकिन मैं अपने रिसर्च के अनुसार बता सकता हूँ, जैसे मैंने कोई गलती करी है कि आप ये गलती कर रहे हैं तो इससे ऐसे बचा जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी दिखा देना।